इस दौर में मुश्किल हो रहा है अपना घर चलाना और परिवार पालना। हाँ, क्योंकि पहले कोरोना, फिर बारिश की दस्तक और बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे असर पड़ा व्यापार पर। नमस्कार, पहचान फरीदाबाद से मैं हूँ दीपिका और आज खड़ी हूँ सेक्टर 7 की मार्केट में। हम यहाँ पर जानेंगे उन लोगों से जो छोटी दुकानें लगाते हैं और अपने घर का पालन पोषण करते हैं। घर परिवार में कितने सारे लोग हैं खाने वाले और कमाने वाला सिर्फ एक, उस हिसाब से इनके परिवार का खर्चा कैसे चलता है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि इस जो कोरोना दौर चल रहा है इस वजह से इनके परिवार पर कितनी मुश्किलें आती हैं। पहले कोरोना की वजह से 3 महीने का लॉकडाउन लगा दिया गया, हर उस दुकान को बंद कर दिया गया जो ज़रूरी नहीं थी। उसमें बड़ी दुकानों के साथ साथ असर पड़ा उन छोटी दुकानों पर, जैसे कि गोलगप्पे की ठेली हो गई, मोमोज की ठेली हो गई, आइसक्रीम्स के ठेले हो गए, ऐसी बहुत सारी अनगिनत दुकानें हैं जो रोज़मर्रा की कमाते और खाते की स्थिति में होते हैं। इनको भी बंद कर दिया गया, ना ही जमा पूंजी इनके पास थी जिससे ये अपना खर्चा चला पाते। उसके बाद जैसे तैसे जिंदगी पटरी पर लौटी ही थी कि वापस से 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। इसके विरोध में बहुत सारे प्रदर्शन हुए, मौजूदा सरकार के खिलाफ बहुत सारी विपक्ष सरकार ने अपनी नीतियां बनाई, लोगों के समर्थन में आके खड़े हुए, भाषणबाजियां की, उसके बाद भी कोई हल नहीं निकल सका। आज भी स्थिति जो की तो ही है, हर शनिवार और इतवार अब ये लॉकडाउन लगाने के जो आदेश जारी किए गए हैं उस पर असर पड़ेगा इन छोटे दुकानदारों पर। चलिए जानते हैं उनकी राय कि उनका क्या कहना है इस बारे में। मेरे साथ है अभी ये भैया, गोलगप्पे और टिक्की की ठेली लगाते हैं। भैया ये बताओ कि जो 3 दिन, जो 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा उससे आपका जो ये काम चलता है इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा ही पड़ेगा जी। अब 2 दिन में, हफ्ते में 5 ही दिन मिलेंगे मान लो, 5 या 6 दिन, तो उसमें 6 दिन में भी क्या हो रहा है कि अपने पेट पालना भारी पड़ जाएगा जी। पहले लॉकडाउन के टाइम पे भी बंद थे, फिर से बंद हो रहे, तो सरकार का फैसला सही लग रहा है तुम्हें? अब इसमें क्या सही लगेगा, जब रेडी पटली वालों का तो पेट ही पालना मुश्किल पड़ जाएगा, भूखन मर रहा है बंदा जी। 3 महीने बाद तो ये रेडी पटली लगने लगी और लगने के बाद थोड़ा बहुत बंदे का जब रोटेशन बन चुका तो उसके बाद फिर दोबारा हो रहा है, तो फिर तो वो भूख नहीं मरेगा, दिक्कत आ जाएगी ना दोबारा से बंद। दोबारा ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मान लो छोटा वोटा कारोबार है, इसमें बच्चे पालने वाली बात है और तो कुछ है नहीं इसमें। इसमें आपको कितनी परेशानी आ रही है अभी ये जो 2 दिन का लॉकडाउन लगेगा? नाम क्या आपका? राजू गुप्ता। बताओ क्या प्रॉब्लम है इसके? मुझे प्रॉब्लम ये है जी, लॉकडाउन अभी हो जाएगा तभी तो, पीछे 3 महीने हम लोग तो मर गए हैं बिल्कुल। अब एक दिन बाद होता तो 5,000-6,000 रुपए का हर बार नुकसान होता है। बीच में भी मंगलवार भी कर दिया था पिछले हफ्ते, 3 दिन का लॉकडाउन हो गया। हाँ, तो उसमें दिक्कत आई बहुत ज्यादा? दिक्कत आती है जी। किस चीज के ठेले लगाते भैया? मैं साउथ इंडियन डोसा के लगाता हूँ। ठीक है, मोमोज का ठेला लगाते हैं, बहुत छोटी सी दुकान है, कारोबारी ज्यादा नहीं है, फिर भी इनसे मैं पूछ रहा हूँ। शोभित, जो ठेला लगाते हो उसमें अगर 2 दिन बंद रहेगा ठेला तो क्या नुकसान होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा मैम नुकसान। पूरा परिवार पलता है इस ठेले से? हाँ जी, पूरा परिवार पलता है, 7-8 जने हैं। कितना कमा लेते हो? कमा लेते हैं 500 रुपए, मतलब दिन का, मतलब दिन का शाम को करते हैं। शाम को? दिन से शाम, शाम का ठेला लगता है? हाँ, शाम को लगता है। और 2 दिन बंद रहेगा तो समझो 1,000 रुपए का तुम्हें नुकसान हो रहा है, तो उस समय पर क्या करोगे? उस समय जेब से देने पड़ेंगे, किराया भी, हाँ होता है, किराया भी होता है। इस ठेले का किराया है कुछ? किराया भी। कितना किराया है? 200 रुपए डेली। 200 रुपए किराया है, 500 रुपए कमाते हो, घर के लिए सिर्फ 300 रुपए बचाओगे। सुरेश भैया, आप ये बताओ, इतनी छोटी सी दुकान है, अभी 2 दिन के लिए इस दुकान को बंद कर देंगे तो कितनी परेशानी हो जाएगी? परेशानी तो होती है मैडम, बहुत परेशानी होती है। वैसे आज देखो जी, एक तो हम लोग 3-4 महीने जो पीछे रहे ना, उससे एक तो डिस्टर्ब है। अब देखो तो समय ऐसा है कि हमें करना पड़ेगा। हाँ। तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, हमें भी करना होगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो आदेश दिए गए हैं 2 दिन बंद करने के, ठीक है? मैम देखो जी, जिस तरह से बीमारी होता है तो ठीक है। अच्छा, लेकिन व्यापार को देखते हुए? अब ऐसा है जी, जब घर गृहस्थी को देखते हैं तो नहीं लगता है। घर में कितने लोग हैं? जी मैम, हम 5 मेंबर हैं। और कमाने वाला? अकेला ही हूँ। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल? जी मैम, एक लड़का है, 12th में पढ़ाई करता है। आजकल की पढ़ाई जो है उसमें खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे अगर 2 दिन भी बंद रहेगी दुकान तो? बिल्कुल मैम, दिक्कत तो होती है। फिर हमें वही चीज़ हम आप सबके सहारे कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों को इस चीज़ को देखा जाए कि भैया कैसे करें।
लोग चोरी शैतानी तो कर नहीं सकते, करना यही है। बिल्कुल सही बात है। अगर इसको जो पहले जो आदेश दिए गए थे कि एक दिन दुकान बंद रहेगी जी, उसमें वो ठीक था या दो दिन बंद रहेगा वो ठीक है? एक दिन जो थी वो ठीक थी, उसमें भी ये हो गया ना, जैसे हमारा जो मेन काम का दिन होता है ना सैटरडे और संडे का होता है, ठीक है मैम। अब जो हम जो ऐसे ट्यूजडे को जो छुट्टी करते तो वो हम पॉसिबल था, हम लोग झेल सकते थे कि चलो एक दिन हम लोग अपना कुछ काम कर ले, जो सरकारी काम है एक्स वाई जेड जो भी है वो हम कर लेते थे मंगलवार वाले दिन, तो सरकारी विभाग खुली होती थी, हम लोग छुट्टी पे होते थे। अब क्या है सैटरडे और संडे दो दिन काम का है, पब्लिक का भी छुट्टी है, हम भी छुट्टी है। जितना असर बड़े व्यापारियों पर पड़ा है उससे कहीं ज्यादा असर पड़ा है छोटे व्यापारियों पर। छोटी सी दुकान के साथ बड़ा परिवार चलाना मुश्किल और कठिन है, ये बातें सभी दुकानदारों के मुख से आज हमने जानी है। सरकार के फैसले किसी दृष्टि से सही माने जाते हैं, लेकिन अगर व्यापारिक दृष्टि से इनकी तरफ से देखा जाए तो ये फैसले उनके लिए थोड़े से नासमझी वाले इसलिए नजर आते हैं क्योंकि अगर दो दिन के लिए दुकान बंद कर दी जाएगी तो इनका परिवार कैसे पलेगा, पालन पोषण कैसे होगा। अभी हम बात कर रहे थे एक मोमोज वाले जो भैया जो मोमोज का ठेला लगाते हैं, वो कहते हैं कि वो 500 रुपये पर डे कमाते हैं, शाम के टाइम उनकी दुकान लगती है उस समय पे वो 500 रुपये कमाते हैं, उसमें से 200 रुपये वो अपने ठेले का किराया दे देते हैं। मात्र 300 रुपये में एक दिन के खर्चे का कैसे अनुमान लगाया जा सकता है, ये सरकार भली भांति जानती होगी, इसी हिसाब से उन्होंने ये लॉकडाउन लगाया होगा। लेकिन मेरे अनुसार या हम सबके अनुसार लगता है कि 300 रुपये में एक परिवार का खर्चा नहीं चल सकता, इसी वजह से जो दो दिन का लॉकडाउन लगाया गया है उसको रोक देना चाहिए और बंद कर देना चाहिए। बड़े व्यापारियों की आवाज़ हमेशा हर कोई उठाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि छोटे व्यापारियों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए जितना हम बाहर वाले लोगों की तरफ दे रहे हैं या उन व्यापारियों की तरफ दे रहे हैं जो बड़े तबके के हैं। हर किसी के खर्चे उसकी ज़रूरत के हिसाब से हैं। अगर किसी का बड़ा व्यापार है तो उसके खर्चे बड़े व्यापार की वजह से हैं, अगर किसी का छोटा व्यापार है तो उसके खर्चे भी उसी हिसाब से हैं। खर्चे में और आमदनी में जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक लोगों को परेशानियाँ आती रहेंगी। फरीदाबाद में कहा कुछ क्या चल रहा है इसे देखने के लिए बने रहिए पहचान फरीदाबाद के साथ।